पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कला भारती की ओर से बूस्टर डोज कैंप का आयोजन आरएसडी हॉस्पिटल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सदस्य विधान परिषद द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कोवैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस कार्यक्रम में कुल 274 लोगों का निःशुल्क वैक्सीनेशन किया गया। कांट रोड स्थित रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, मधुबन ग्रीन, टीडीआई सिटी, नवीन नगर, अवंतिका कॉलोनी आदि क्षेत्र के निवासियों ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैक्सीनेशन कैंप का लाभ लेने वाले लोगों ने भविष्य में भी ऐसे कैंप लगाए जाने की मांग रखी, जिस पर संस्था विचार कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरवंश दीक्षित और डॉक्टर विनोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, कला भारती के राष्ट्रीय महामंत्री बाबा संजीव आकांक्षी, आरएसडी हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव कुमार, पंकज शर्मा, भारत विकास परिषद के अजय कट्टा, आलोक अग्रवाल, नीरज मित्तल, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अशरफ, अंकुर शर्मा, परवेज आलम, विनोद कुमार शर्मा के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। कैंप हमारा बूस्टर डोज के लिए है। जो लोग बूस्टर डोज से रह गए हैं वो एक उनके लिए है, बाकी कुछ और लोग जो जिनका सेकंड डोज भी लगना है या कुछ रह गया है वो सारे डोज भी पूरे लग रहे हैं यहाँ पर। और बकायदा हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका, और उनको जो जो चीज़ उनकी है उनके मोबाइल पर डाउनलोडिंग्स भी सारी सर्टिफिकेट्स की पहुँच रही हैं। और ऐसे कैंप हम लोग आगे लगा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम जनता को ऐसे कैंप और आगे लगाते रहें, उनको पूरा सबको वैक्सीनेटेड करके हम यहाँ से मुरादाबाद से टोटली 100% वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारती की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके सहयोग से आरएसडी हॉस्पिटल में आज एक बूस्टर डोज का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा है कला भारती बूस्टर डोज कैंप। इसमें हमें जो उम्मीद थी कि बूस्टर डोज लगवाने वाले 50-60 लोग हो जाएंगे, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग से बात करी और उनके सहयोग से ही कार्यक्रम हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को ही वैक्सीन लगानी थी। जब समाज में चर्चा फैली तो हमें लगा कि लोग ज़्यादा हो सकते हैं, और अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, सुबह 10 बजे से कैंप शुरू हुआ है, 200 लोग इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, 200 लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। इसमें जिनके पहली डोज नहीं लगी है वो भी लगवा सकते हैं, जिसमें दूसरी डोज नहीं लगी वो भी लगवा सकते हैं, और जिनके दोनों डोज लग गई हैं बूस्टर डोज ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्मानित कर्मचारियों ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया। आरएसडी हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बड़े मन जोर से लगा हुआ है, हमारी पूरी टीम कला भारती की बड़े मन से यहाँ लगी हुई है। आज सुबह विधान परिषद में जो अधिष्ठाता भी हैं और सम्मानित सदस्य हैं डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस जी, उन्होंने फीता काट के इसका उद्घाटन किया, और सबसे पहली डोज उन्होंने ही लगवाई, और उसके बाद से निरंतर यहाँ ये डोज लगवाई। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि रामगंगा बिहार कांट रोड पर जितनी भी कॉलोनीज हैं वो सभी लोग निरंतर यहाँ आ रहे हैं। हमारी ये सोच थी कि 100-150 शायद हम पहुँच जाए, लेकिन धीरे धीरे हम अभी 200 के आसपास वैक्सीन लग चुकी है, और अभी भी और वैक्सीन का स्टॉक मैंने मंगाया है और लगातार लग गई। जहाँ तक मेरी बात जा रही है, मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र वैक्सीन लगवा लें। इसके अलावा जो लोग रह जाएंगे अतिशीघ्र एक कैंप का आयोजन इसी हॉस्पिटल में आगामी समय में पुनः करेंगे, जो लोग रह गए हैं उनका दोबारा से यहाँ पर वैक्सीन की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।